नमस्कार, मैं हूं अमित जायसवाल और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पटना के पाटलिपुत्र थाना इलाके में 30 जनवरी की रात आलोक रंजन नाम के एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी। उसके सिर में गोली लगी थी। इस मामले में पुलिस को उसके दो दोस्तों की तलाश थी और ये जो हत्या की गुत्थी थी वो उलझी थी। अब इस गुत्थी को पटना पुलिस ने सुलझा लिया है। आज पटना के SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे घटना के बारे में डिटेल से बताया है। देखिए आप उनकी बाइट। एक घटना घटी थी जिसको कि लार्जर मीडिया में बड़े प्रमुखता से कवर किया गया था कि एक हत्या की घटना है, जिसमें कि एक 26 वर्षीय युवक आलोक रंजन की गोली मारकर हत्या की बात आई थी। लेकिन उसके अनुसंधान में पता चला था कि उसको गोली लगी है इंद्रपुरी के एक मकान में, जहाँ कि उसके दो दोस्त किराए पर रहते थे और वहीं पर वो गया था। और डिसीज्ड के परिजन के बयान पर एक केस दर्ज हुआ था मर्डर का और साक्ष्य छुपाने का। उस आलोक में उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिमांशु कुमार और अभिषेक कुमार, और उनकी निशानदेही पर वो हथियार भी बरामद हो गया है जिससे गोली चली और जिससे कि आलोक की मृत्यु हुई। और इन लोगों के ऊपर साक्ष्य छुपाने का आरोप स्पष्ट है। ऐसे उस मर्डर केस में हम इन लोगों को जेल भेज रहे हैं। इन लोगों का वर्जन ये है कि हथियार वो आलोक ही लाया था और उसके बाद हथियार छीना छीने में गोली चली है। इन लोगों का अपना प्ली है। ऐसे मर्डर केस में इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। पटना समेत पूरे ज़िले में हाईवे पर वाहन लुटेरों का आतंक बढ़ गया था। लगातार गाड़ियों की लूटपाट हो रही थी। लूटपाट की जो वारदातें हैं हाईवे पर वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। इसमें एक गैंग था जो बिहटा से लेकर के मोकामा तक NH-30 पे पूरी तरह से हावी था। और इस ये गैंग भी जो है अब पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस गैंग के 9 अपराधियों को पटना पुलिस की टीम ने दबोच लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये पूरा मामला। दूसरा, एक पिछले 10 दिनों से हम लोग इस केस पे काम कर रहे थे। लगभग पिछले 1.5-2 महीनों से पटना एवं आसपास के इलाकों में हाईवे लूट की कई घटनाएं हुई थी, खास करके मोकामा में, बख्तियारपुर में, दीदारगंज में, गौरीचक में, उसके अलावा नालंदा, बक्सर, रोहतास, बेगूसराय, नौगछिया, खगड़िया, लगभग कुल 12 घटनाएं थीं और पिछले 1.5 महीने के अंतराल में हुआ था। और इसमें एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इस केस में पिछले दिनों गौरीचक और मसौड़ी में गिरफ्तारी हुई थी कुछ लोगों की। उसके निशानदेही पर जो गौरीचक में एक लूट की घटना घटी थी, इसमें मोबिल बरामद हो गया था। उसके बाद इन अपराधियों पर लगातार काम चल रहा था, उसके बावजूद ये लोग घटना खगड़िया में इधर उधर कर रहे थे। या तो इनको पता नहीं चल रहा था कि पुलिस इनके पीछे है, और पता था तो इनके डेस्परेशन को ये दिखाता है। हालांकि फिर अंततः हम लोगों ने इन सभी लोगों को पकड़ा। कुछ 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से कई केसेस में लूटी गई सामानों की बरामदगियाँ हुई हैं। हम लोग के यहाँ से जो 2 घटनाएं घटी थीं, गौरीचक में जो मोबाइल की लूट हुई थी वो पहले बरामद हो चुका है। उसके अलावा पिछले महीने प्रिंटर की लूट हुई थी पिकअप वैन से, 37 प्रिंटर को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा बिहटा थाना से एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि टाटा टियागो गाड़ी को लूटा गया था, वो टियागो गाड़ी बरामद हो गया है। शाहपुर और दीदारगंज से आलू लदा ट्रैक्टर बरामद हुआ था, पिकअप लूट हुआ था, उसको भी बरामद किया गया है। इसके अलावा नासरीगंज से एक स्विफ्ट डिज़ायर लूटी गई थी 25 जनवरी को, उसको बरामद किया गया है। शाहजहाँपुर से एक स्कॉर्पियो लूटी गई थी, वो बरामद हुआ है। परबत्ता थाना नौगछिया से एक स्कॉर्पियो लूटी गई थी, वो बरामद हुआ है। कुल मिलाकर इसमें 11 केसेस हैं। नासरीगंज के, शाहजहाँपुर के, परबत्ता के, महेशखूट के, दीदारगंज के, गौरीचक के 2 हैं, शाहपुर, पंडारक, मोकामा, बिहटा। टोटल इन केसेस का खुलासा हुआ है और 9 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। बरामदगी इनके पास से
चार हथियार हैं जो इस्तेमाल कर रहे थे और 8 गोलियां हैं। लूटा हुआ स्कॉर्पियो 2 है, लूटा हुआ कार 1 है और प्रिंटर बरामद हुआ है और पिकअप का हम लोग को निशानदेही मिल गया, उसको भी बरामदगी हम लोग करेंगे। और ये लोग शहर में ही हनुमानगढ़ इलाके में अपना डेरा जमा कर रहते थे और उसके बाद रात्रि में आफ्टर 10 ये लोग हाईवे पकड़ के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। एक तरफ अपराधी लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं, दूसरी तरफ पटना पुलिस लगातार उन्हें पकड़ने में लगी है। राजधानी समेत पूरे पटना जिले में आपराधिक वारदातें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि पटना पुलिस इस पर कैसे काबू पाती है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहें लाइव सिटीज़। धन्यवाद।